हेलो, मैंने उसी वही वही लिंक उसी लिंक पे क्लिक करो, अब शायद खुल जाए आप। हेलो, अस्सलाम हाँ वालेकुम। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। हसन हसन, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ये जो आप वो लगा रहे हो? हसन, ये उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ये जो आप वो लगा रहे हो, क्या नाम है, हैंड्स फ्री? नहीं, शेयर स्क्रीन पे क्यों जा रहे हो आप? अभी अभी स्क्रीन शेयरिंग पे क्यों जा रहे हो? बस ज्वाइन मीटिंग पे जाओ ना। ठीक है, ज्वाइन, हाँ आप मीटिंग ज्वाइन करो, फिर मैं आपको होस्ट बनाऊंगा, फिर आप स्क्रीन शेयर करोगे। ठीक है, ओके ओके, अभी दोबारा ज्वाइन करो। दादू को दे दो, दादू। हसन, दादो में को देखे हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप ऑडियो कनेक्ट नहीं कर रहे हसन। साइड में ना इस जगह पे जाके, यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है, हाँ अब ऑडियो कनेक्ट हुई। हेलो हेलो, हेलो हेलो, आवाज बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। आ रही है लेकिन बहुत हल्की आ रही है। नहीं, बहुत हल्की है, ये हैंड्स फ्री के करीब करके करो। सर, करीब कर लिया बिल्कुल। अब कुछ बेहतर हुई है? आवाज हल्की है, बहुत आवाज बहुत हल्की है। वो माइक करीब कर लिया, सही आएगी आवाज। अब कुछ बेहतर हो रही है? वो स्क्रीन शेयर कर दूं? मैं अभी कर नहीं सकते। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, कंप्लीटली आ रही है। कंप्लीट आ रही है। जी सर, अच्छा, तुम्हारी थोड़ी सी आवाज हल्की है, या तो अपना माइक, मैं एक मिनट इसको देख लूं। अब बोलो। सर आप, मैंने माइक बिल्कुल करीब कर लिया है, तो अब आप सही, सही आएगी आपके पास। अब आवाज सही है, अब आवाज सही है। अच्छा, मैं बना रहा हूँ आपको होस्ट। पहले ठीक है सर, होस्ट बनाऊंगा ना, तो आप फिर स्क्रीन शेयर कर सकोगे, फिर आप मुझे वापस होस्ट बना देना। ठीक है सर। होस्ट बनाने का तरीका कार क्या है? ये जो नजर आ रही है आपको स्क्रीन, यहाँ पे मोर लिखा हुआ है साइड में,
डी मोड लिखा हुआ है। मोर पे क्लिक करेंगे ना आप मेरे नाम पे जाके, तो यहाँ लिखा है मेक होस्ट। ठीक है, ये मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, फिर आप मुझे बना देना। जी सर। ठीक है, आप होस्ट हैं, अब आप स्क्रीन शेयर कर लें। ठीक है सर। आ गई सर आपके पास? जी जी आवाज आ रही है। हाँ, स्क्रीन भी नजर आ रही है। ठीक है सर। मेरा टॉपिक ये था कि डिफरेंशिएट बिटवीन एप्लीकेशंस एंड लेटर्स, दोनों के दरमियान में डिफरेंस बताना था। इसको बड़ा करने स्क्रीन को सर, F5 से होता है ना बड़ा? F5 दबा दें। F5 सर। ये डिफरेंस है कि एप्लीकेशन जो है वो हम जब लिखते हैं कि हमें कहीं अप्लाई करना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और एप्लीकेशन जो है वो हम समराइज करके उसका पर्पस जो है समराइज करके एप्लीकेशन लिखते हैं, और एप्लीकेशन उस सूरत में भी लिखते हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमें वहाँ पर लीव चाहिए, या कहीं ट्रांसफ़र, हमें अपनी जगह चेंज करनी है, या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। और लेटर जो है वो हम किसी का, बेसिकली किसी का लेटर आया होता है, हम उसका रिप्लाई कर रहे होते हैं किसी को, या किसी को कुछ बता रहे होते हैं कि ऐसा हो गया है। और लेटर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में जो है वो हमें मेंशन करना होता है सब्जेक्ट, और जब हम लेटर लिख रहे होते हैं तो इसमें कोई कैद नहीं होती कि हम छोटा लिखें, हम इसको 2-3 पैराग्राफ में भी ईजिली अपने अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे हसन नाम है, हसान नाम है आपका? हसन नाम है सर। हसन हसन, आप मुझे ये बताएंगे कि ठीक है, आपने फर्क बताया कि एप्लीकेशन जब कभी आप कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई से ही निकला है, तो जब कहीं आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ एप्लीकेशन दी जाती है, और लेटर जो होता है वो आप कोई हैपनिंग होती है या कोई कोई चीज़ बतानी होती है तो वहाँ लेटर लिखा जाता है। तो ये दोनों जो है, इसमें से ये क्या दोनों वन वे कम्युनिकेशन है या टू वे कम्युनिकेशन है? सर ये टू वे कम्युनिकेशन है। दोनों? जी सर। ठीक है, क्योंकि सर आपको कोई आप किसी को एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन जो है सर ये वन वे है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप कभी एप्लीकेशन देते हैं तो जवाब, वो उसका जवाब फिर एप्लीकेशन में नहीं आता। सही है, उसका कोई ऑर्डर वगैरह निकलता है। हाँ, फर्ज की आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो आप तो अप्लाई कर रही हो, आर एप्लीकेंट। ठीक है, दरखास्त, एप्लीकेशन मैंने दरखास्त देना, और लेटर खत को कहते हैं हम अपने जबान में, जिसको लेटर खतूत कहा जाता है, खत कहा जाता है। तो एप्लीकेशन मेरे ख्याल में वन वे कम्युनिकेशन है। आप जब अप्लाई करते हैं तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ी आपको एप्लीकेशन लिखेंगे यार आप ज्वाइन कर ले, वो तो एक ऑर्डर निकालेंगे या ऑफिस ऑर्डर आएगा या उनका जो है फॉर्मल एक लेटर निकलेगा, जॉब ऑफर लेटर होता है। जी सर। ठीक है, तो एप्लीकेशन के बदले में लेटर मिलेगा। ठीक है, आगे चलें। और इसमें सर एप्लीकेशन और लेटर को और ब्रीफ कर रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है वो यूजुअली फॉर्मल होती है, और हम किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी सुपीरियर बंदे को या किसी कुलीग वगैरह को भी लिखते हैं। एप्लीकेशन जो है वो यूजुअली लीव के लिए दी जाती है, या बोनस चाहिए होता है ट्रांसफर के लिए, या कोई आप अपने सुपीरियर से कोई फेवर चाह रहे हो उसके लिए देते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो आपका डायरेक्टर जनरल हो, सबसे ज़्यादा हेड जो होगा उसको आप एप्लीकेशन देंगे किसी भी मामले पर कि मुझे लीव चाहिए इतने मंथ्स की, या मुझे बोनस चाहिए, या मुझे ट्रांसफ़र करना है, तो फिर उसका एक थ्रू प्रॉपर चैनल होगा। वो डायरेक्टर जनरल जो है वो सेक्रेटरी अपने नीचे वाले को मार्क करेगा, फिर सेक्रेटरी जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी को मार्क करेगा, इस तरह से थ्रू प्रॉपर चैनल वो एप्लीकेशन डाउन होती है। ठीक है, एक फॉर्मल वे होता है एप्लीकेशन का, और जो लेटर है ये दो किस्म के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और इसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं किसी से भी कम्युनिकेशन करने के लिए, और बहुत से लोग ऑर्गेनाइजेशन में भी, जैसे किसी बंदे से आपको बात करनी है तो आप लेटर उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने टर्म लिखी हुई है बोथ लेटर एप्लीकेशन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों ही कम्युनिकेशन की टाइप्स है, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो यूजली प्रोफेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। हम जो मैसेजेस करते हैं
ये भी एक किस्म की हमारी कम्युनिकेशन है, इट्स इट्स फॉर्म ऑफ लेटर जो मैसेजेस हम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये भी एक लेटर की, ठीक है, आगे चलें। आवाज थोड़ी सी हल्की आ रही है आप सर, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स को डिफरेंशिएट किया हुआ है कि फॉर्मल लेटर्स जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, शेयर होल्डर्स को भेजे जाते हैं कि कोई चीज़ की कंप्लेन करनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई इंक्वायरी करवानी है किसी चीज़ की, कोई ऑर्डर देना है, तो फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो सेट होते हैं। फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो एक सेट होता है फॉर्मेट, उसका डिफरेंट एक फॉर्मेट होता है फॉर्मल लेटर का, जिसमें आप डेजिग्नेशन, बंदे का नाम, एड्रेस, ये सारे, और रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट होता है इसको टॉप लेफ्ट पे लिखते हैं और अपना जो एड्रेस है वो टॉप राइट पे लिखते हैं, और जो हमारी साइन होती है वो बॉटम लेफ्ट होती है, ट्रोली या पेज पुली के नीचे की साइन कर देते हैं। आवाज हल्की आ रही है हसन बहुत। और सर ये जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं ये हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स वगैरह को देते हैं, बेसिकली सर उसका पर्पस जो है इनफॉर्मल लेटर्स का, वो फॉर्मल लेटर से बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसमें हम बिल्कुल आज़ाद होते हैं कि किसी भी लैंग्वेज लैंग्वेज होती है। अच्छा, आपको कहीं से जॉब के लिए अप्लाई किया आपने और उसका रिप्लाई आया? एक मिनट में जरा, एक कॉल आ रही है। हाँ हसन जी, जी कंटिन्यू करें सर। ये इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही फॉर्मल लेटर से डिफरेंट होते हैं, इसमें हम अपने फ्रेंड्स वगैरह को, रिलेटिव्स वगैरह को इनफॉर्मल लेटर्स सेंड कर रहे होते हैं, और इसके अंदर कोई लैंग्वेज की एक फॉर्मेट नहीं होता, इसमें हम यूजुअली स्लैंग लैंग्वेज या अपने तौर पर आज़ाद होते हैं, कोई भी लैंग्वेज यूज करके हम अपनी बात को कन्वे कर देते हैं जो रिसीवर होता है उसको, और फॉर्मल लेटर्स में बिल्कुल इसके बरक्स है कि हम जो है वो एक फॉर्मेट सेट ऑफ रूल्स के तहत, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स के तहत चल रहे होते हैं फॉर्मल लेटर्स में। सर आप क्वेश्चन कर रहे थे मुझसे? मैं ये कह रहा था कि फॉर्मल लेटर्स जो है, पता नहीं क्या पूछ रहा था, चलो अच्छा आगे जहन में आएगा तो फिर पूछता हूँ मैं। बता रहे हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, उनका सेट ऑफ फॉर्मेट जो होता है, उनके स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं, उसमें ग्रीटिंग जो कर रहे होते हैं वो डिफरेंट होता है, और जो एड्रेसिंग कर रहे होते हैं वो भी डिफरेंट होता है, ये सारी सर डिफरेंसेस हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। आवाज बहुत हल्की आ रही है हसन। सर ये इस वाली स्लाइड में बेसिकली जो है वो डिफरेंस बता रहे हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल के जो स्टाइल्स होते हैं और सेट ऑफ फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है, ग्रीटिंग अलग होती है, और एड्रेस जो कर रहे होते हैं वो भी टोटली डिफरेंट होता है, दोनों के दरमियान में डिफरेंस इस स्लाइड में बता रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है आगे। और सर ये एक लेआउट है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का, जब हम फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं तो इस पे टॉप राइट पे हम सेंडर्स का एड्रेस आ रहा होता है और पूरा उसका कॉन्टेक्ट इन्फो होता है, और राइट राइट पर जो है वो लेफ्ट पर जो है वो रिसिपिएंट का आ रहा होता है एड्रेस, रेफरेंस नंबर जो भी होता है, फिर हम सैल्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं और फिर एंडिंग होती है। अच्छा, ये राइट पे लिखा जाता है, लेफ्ट पे चलता है? सर लेफ्ट पे जो है, राइट पे जो है वो सेंडर्स एड्रेस होता है और
आवाज बहुत हल्के आ रही है हसन, माइक पे प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में तुम्हारे। जी सर, एयरफोन सर शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं वॉइस को। मैं सर ये बता रहा था कि ये लेआउट बताया हुआ है फॉर्मल लेटर्स का, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का बताया हुआ है। फॉर्मल लेटर का जो लेआउट होता है इसमें हम सेंडर्स एड्रेस जो है वो राइट पे लिखते हैं, और सेंडर्स की जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी जो है वो राइट पे आ रही होती है, और जो रिसीवर जो रिसिपिएंट है उसका जो है वो लेफ्ट पे आ रहा होता है। ठीक है, और फिर सैल्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं और फिर अपने जो पॉइंट्स बताने होते हैं वो जो है वो कंसाइज करके और समराइज करके उसको बताते हैं, और फिर एंड में उसकी एंडिंग हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह से जो इनफॉर्मल लेटर है इसके अंदर जो है वो सेंडर्स एड्रेस राइट पे आ जाता है और डेट आ जाती है, फिर हम सैल्यूटेशन से स्टार्ट करके अपना दो तीन पैराग्राफ्स के अंदर अपनी बात को कन्वे करके फिर एंडिंग कर देते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये लेआउट है दोनों का, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स का। और एप्लीकेशन का? सर एप्लीकेशन का नहीं है इसके अंदर। एप्लीकेशन का तो देते हैं क्योंकि डिफरेंस एप्लीकेशन और एप्लीकेशन और लेटर में था। अच्छा मुझे, चलो ठीक है, तुमने प्रेजेंटेशन बनाई, मुझे एक अगर तुम मुझे होस्ट बना दो तो मैं तुम्हें कुछ एप्लीकेशन दिखा भी देता हूँ, एक आध लेटर भी दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल देनी चाहिए थी एक, तो भी सर ये एप्लीकेशन की एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन आपको लिखनी आती है? अगर कहीं एप्लीकेशन लिखनी है कैसे लिखोगे? कवरिंग सर ये होस्ट किस तरह बनेंगे? मोर पे जाके, मोर चैट पे जाके, हाँ जब राइट क्लिक करोगे ना तो ऑप्शन जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन है मेक होस्ट। बना दिया? नहीं सर अभी तो नहीं बना। हाँ जैसे राइट क्लिक, अब मेरे नाम पे जाके ना राइट क्लिक करोगे तो वहाँ होस्ट लिखा हुआ आएगा। जी सर बना दिया आपको होस्ट। ठीक है, मैं एक आध अभी लेटर और एप्लीकेशन की एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक अभी एक लेटर लिखा है, ये मेरा लेटर है, ये कवरिंग लेटर नजर आ रहा हो, स्क्रीन शेयर हुई है? नहीं हुई, नहीं हुई सर। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब नजर आ रही स्क्रीन नजर आ गई। अच्छा इसमें ये मैंने कवरिंग लेटर बनाया, ये भी वही जॉब के हवाले से मैंने अपने लिए अप्लाई किया, अभी रिसेंट कल ही अप्लाई किया कि मैंने एप्लीकेशन दी है कि मुझे एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाए, तो ये है पूरी वो एप्लीकेशन, इस तरह फॉर्मेट है इसका। ये रजिस्ट्रार साहब के नाम लिखी है, इसके अंदर डेट लाजमी होती है और ऊपर आपका रेसिपिएंट होता है जिसको आपने भेजनी है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया, सब्जेक्ट हमेशा लेटर के अंदर जो है सब्जेक्ट आता है, ठीक है, जैसे हम ईमेल करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट नजर आएगा, एप्लीकेशन फॉर द प्रमोशन एज एसोसिएट प्रोफेसर, तो ये सब्जेक्ट लाजमी होता है एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। विदाउट सब्जेक्ट जो है, क्योंकि सब्जेक्ट एक वो पॉइंट होता है जो कि आपके पूरे लेटर को डिफाइन कर देता है, बता देता है। जैसे सब्जेक्ट की लाइन आपको कहाँ ईमेल में मिलती है, ठीक है, तो आपने एक ये नहीं बताया कि डेट होनी चाहिए उसके ऊपर, रेसिपिएंट जो भी रेसिपिएंट है उसका कंप्लीट एड्रेस आएगा कि वो कहाँ, उनका ऑफिस कहाँ पे है, फिर सब्जेक्ट में आएगा कि भाई आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फिर उसकी बॉडी आपने उनको कैसे मुखातिब करना है, डेयर सर करके करना है, उनका नाम डालना है, या अगर आपको रेसिपिएंट नहीं पता, फर्ज किया आप ऐसी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ आपको नहीं पता कि जो रेसिपिएंट है या जो एचआर है वो मेल है या फीमेल है, तब क्या लिखेंगे आप, कुछ पता है? सर हम लिख देते हैं कि डियर डियर सर स्लैश मैडम लिख देते हैं। हाँ यूं करके लिख देते हैं, डियर कंसर्न नहीं कर देते हैं, ठीक है, तो या डियर एचआर मैनेजर भी कर देते हैं, तो इस तरह लिख के फिर आप जो है वो मेन बॉडी लिख के, और उसके बाद जो है सिंसियर। अच्छा यहाँ पे तीन चार बातें होती हैं जब हम एप्लीकेशन देते हैं, तो एप्लीकेशन के अंदर बाज़ जगह ओबीडियंटली लिखा जाता है, बाज़ जगह सिंसियरली होता है, बाज़ जगह ट्रूली होता है, तो विच वर्ड इज करेक्ट? हसन आपने अप्लाई किया जॉब के लिए, अप्लाई किया आखिर में लिखोगे ना कि
आपने फर्ज किया थैंकिंग कर दी उनकी, तो फिर यहाँ पे आखिर में जो है आप एक टर्म लिखेंगे, उसके ऑप्शन है, यानी ओबीडिएंटली भी लिखते हैं, सिंसियरली भी लिखते हैं, ट्रूली भी लिखते हैं, तो विच वन इज करेक्ट? सर योर्स ओबीडिएंटली इज करेक्ट। योर्स ओबीडिएंटली करेक्ट होगा? यस सर। अच्छा मैं एक चीज बताऊं इसमें, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, जब तक आप यूनिवर्सिटी में हो, टीचर के पास हो, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के पास, जब टीचर के पास हो तब तो योर्स ओबीडिएंटली चल जाएगा, यानी आपका फरमाबरदार शागिर्द आपका इस तरह करके। लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, जहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे ओबीडिएंटली इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है? आप फरमाबरदार नहीं है, आप एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ यू आर सिंसियरली लिखेंगे, ठीक है, सिंसियरली लिखेंगे या योर्स ट्रूली लिखेंगे, वहाँ ओबीडिएंटली नहीं लिखेंगे। इस वजह से किसी भी प्रोफेशनल लेटर में आपको कभी योर्स ओबीडिएंटली नहीं मिलेगा। जी सर, समझ में आई? ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, मैं फिर अपना डेजिग्नेशन लिखते हैं, जो जो आपका होता है, कहीं काम कर रहे हैं तो अपने हिसाब के बारे में बता दें, इसके अंदर एक्सपीरियंस बता दें। तो ये तो लेटर की एग्जाम्पल होगी, कि एक में एग्जाम्पल देना चाह रहा था एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन मेरे पास शायद पड़ी होगी, ये कवरिंग लेटर, हाँ ये एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर, सॉरी ये भी एप्लीकेशन है, कवरिंग लेटर दिखाता हूँ मैं आपको, कवरिंग लेटर या लेटर दिखा देता हूँ मैं आपको। मेरे पास एक लेटर था, यहाँ नहीं होगा, एक मिनट, एक आध एग्जाम्पल डाल देते ना, लेटर की और उसकी क्या नाम है एप्लीकेशन की। सर वो थोड़ा याद नहीं रहा था और आइडिया नहीं हुआ। रिकमेंडेशन लेटर भी होते हैं, रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है सर? किसी को रिकमेंड कर रहे हैं आप? हाँ, किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो वो लेटर बनेगा। जैसे मेरा था, मैं एक दिखाता हूँ, अरे यार नहीं होगा, ये रिकमेंडेशन लेटर था मेरे पास, हाँ ये देखें, ये स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर। दोबारा शेयर करूं? जी सर दोबारा कर। अब नजर आ रही? जी सर अब आ गई। देखो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी का है, जहां से मेरे पीएचडी का काम था, ये हमारे साथ थे। यहाँ पे वही फॉर्मेट देखो, ये वो है जो राइट हैंड पे आपको नजर आ रहा है ना, ये वो प्रोफेसर है जिन्होंने मेरी रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है? उन्होंने अपना एड्रेस लिखा है, ब्रेंडन मार्टिन बकले लेमन एलडी, वो इस पे काम कर रहे थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी। फिर उनका पूरा एड्रेस हो गया न्यूयॉर्क यूएसए, ठीक है? फिर उन्होंने अपना क्या डाल दिया इसके नीचे, ईमेल एड्रेस डाल दिया। फिर उन्होंने डेट डाली, ठीक है? डेट डालने के बाद इन्होंने मेरा नाम लिखा, यानी मोहम्मद उसामा जफर, गुलशन इकबाल कैंपस का, और यहाँ लिख दिया टू होम इट मे कंसर्न, ठीक है? तो उन्होंने इंडोर्स किया था कि इसने, लड़के ने पीएचडी कर ली है और इसका जो है काम अच्छा था, और फाइनली इन्होंने दोबारा अपनी इंडोर्समेंट डाल के साइन भी कर दिए, और साथ में वही चीज जो उन्होंने ऊपर लिखी थी नीचे लिख दिया, और नीचे इन्होंने एक पीओ बॉक्स नंबर भी डाल दिया, ठीक है? तो ये कहलाता है लेटर आपका। तो लेटर एप्लीकेशन में फर्क यही होता है कि अच्छा इसमें इन्होंने सब्जेक्ट नहीं डाला, तो बाज लेटर ऐसे होंगे जिसमें आप सब्जेक्ट डालेंगे, बाज में सब्जेक्ट नहीं डालेंगे। तो थोड़ी सी, चलो बस ये मैंने बताना था, बाकी ये कि मुझे जो है ना, जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई थी वो मुझे आप शेयर कर दो, ठीक है? और कोई ग्रुप था इस वक्त इसके अलावा? नहीं सर, मेरा आखिरी था। आखिरी, बाकी सब ग्रुप दे चुके हैं? जी सर बाकी दे चुके। अच्छा चलें, ठीक है। और एक मैंने अनाउंसमेंट ये करनी थी कि एक दो सेशन मैं ऐसे रखूंगा कल या परसों, जिसके अंदर मैं रेफरेंसिंग के बारे में बताऊंगा, और वो पेपर में भी आएगा। तो वो रेफरेंस कैसे दिया जाता है, साइटेशन कैसे होगी, उसके लिए सारे बच्चे आएंगे तो लेक्चर होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूं? सर अभी ये वैसे भी आपकी जो हमारी वॉइस हो रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है, बच्चे सुन ही लेंगे, तो फिर आ जाएंगे कल या परसों में।
या मैसेज भी कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। मैं मैसेज कर देता हूँ। ठीक है हसन, हो गई सबकी प्रेजेंटेशन, थैंक यू, मैं फिर लीव कर रहा हूँ मीटिंग। थैंक यू सर। ओके, मुझे शेयर कर देना जी सर, बिल्कुल व्हाट्सएप।